अस्सलाम वालेकुम, मैं ग्रेड टू की उर्दू टीचर मिस सुमैरा। आज मैंने आप लोगों को कारवाने उर्दू में सफ़ा नंबर 17, 18 और 19 करवाया है। सफ़ा नंबर 17 पे हमने सरगर्मी नंबर बे जो है 3 हरूफ वाले 4 अल्फाज लिखे हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है मीम जमा वाओ जमा रे मोर। इस तरह हमने 4 अल्फाज मज़ीद लिखे हैं। मैंने आप लोगों को करवाया, आप लोगों ने मुझे बताया है, साथ साथ हमने लिखा ते जमा वाओ जमा रे तो, बे जमा अलिफ जमा ते बात, शीन जमा वाओ जमा रे शोर, जीन जमा वाओ जमा रे जो। ये काम करने के बाद हमने सफ़ा नंबर 18 पर सरगर्मी नंबर 4 की है पाकिस्तान का परचम बनाइए और रंग भरिए। तमाम बच्चों ने इसमें पाकिस्तान का परचम यहाँ पर बना के रंग भराए। पाकिस्तान के परचम में हरा और सफ़ेद रंग होता है और उसमें एक चांद और सितारा बना। इसके बाद हमने नीचे यहाँ देखें पाकिस्तान का नक्शा बना हुआ है, मैप बना हुआ है। इसमें 4 सूबे हमें वाजे किए गए हैं, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा। सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा। हम लोग कहाँ रहते हैं? हम सिंध में रहते हैं। सिंध का सबसे बड़ा सिंध में एक शहर है सनामे कराची, जहाँ पर हम रहते हैं। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर। इसी तरह बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, ठीक है। इसके बाद हमने किया सफ़ा नंबर 19 पर खुशखती है। इस खुशखती को हमें करना है, यहाँ पे आपको सारा खुशखती को देख के इस पर ट्रेसिंग करनी है। ट्रेसिंग के बाद नीचे सबसे नीचे की दो लाइनें आप लोगों को ऊपर से देख कर खुद से लिखनी है, ठीक है। आज का हमारा कारवाने उर्दू का ये काम था। इसके बाद हमने आज नर्दबान में सफ़ा नंबर 6 किया है। सफ़ा नंबर 6 पर मौसम लिए हैं, खूबसूरत मौसम। पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है जिसमें चार मौसम होते हैं, सर्दी, गर्मी, फिजा और बहार। यहाँ पर कुछ तस्वीर दी गई हैं, इन तस्वीरों में मौसम को बताया गया है कि कौन कौन से मौसम की तस्वीर है। हमने उसका देख कर और उसके नाम इसके सामने दिए हुए डैश में लिखे, ठीक है। अब यहाँ सबसे पहली तस्वीर है, इसमें देखें आप बच्चे जो हैं गर्म कपड़े पहने हुए हैं, बर्फ़ गिर रही है और ठंडी हवा चल रही है। तो ये कौन सा मौसम है? जी हाँ, ये सर्दी का मौसम है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? सर्दी। इसके सामने वाले डैश में हम लिखेंगे सर्दी। इसके बाद हमारी दूसरी तस्वीर है, इस तस्वीर में देखें कुछ फूल खिले हुए हैं जगह जगह और सूरज भी थोड़ा बहुत निकला हुआ है, परिंदे उड़ रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। तो ऐसा मौसम जो होता है इसमें फूल खिलते हैं, उनकी तितलियाँ बैठती हैं, तो ऐसे मौसम को बहार कहा जाता है। इसमें पौधे, नए पौधे उगते हैं, ये है बहार। इसके सामने वाले डैश में हम बहार लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर। इसके बाद हमें तीसरी तस्वीर दी है, इस तस्वीर में क्या, बच्चे पानी में नहा रहे हैं, सूरज पूरा निकला हुआ है और जो है एक बच्चा जो है वो गर्मी से पसीने उसके निकले हुए हैं और हाथ में उसके पंखा है, वो झल रहा है। तो इस तस्वीर को देखकर हमें कौन सा मौसम हमारे जहन में आता है? इस तस्वीर को देखकर हमारे जहन में गर्मी का मौसम आता है। इसके सामने वाला जो कॉलम है इसमें हम गर्मी लिखेंगे, ठीक है। अब सबसे आखिरी तस्वीर देखें, एक शख्स है जो दरख्त के पास खड़ा हुआ है और उसमें से पत्ते झड़ रहे हैं और वो सारे पत्ते जमा कर कर फेंक रहा है। तो ये जो तस्वीर है इसमें हम देख रहे हैं कि दरख्तों से पत्ते झड़ रहे हैं, तो ऐसा मौसम जिसमें दरख्तों से पत्ते झड़ते हैं उस मौसम को खिजां का मौसम कहते हैं, ठीक है। सारे पत्ते झड़ जाते हैं तो उस मौसम को खिजां का मौसम कहते हैं। और इसके सामने दिए गए लाइन में, दी गई लाइन में आप लिखिए खिजां, ठीक है। आज हमारे काम था, हमने कारवाने उर्दू में सफ़ा नंबर 17, 18 और 19 किया, नर्दबान में सफ़ा नंबर 6 किया है हमने। इसके अलावा हम खुशखती में मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया है सफ़ा नंबर 5 और 6, जो आप लोगों को मुकम्मल करना है। उस पर हर सफ़े पर आप लोगों को आज की डेट डालनी है, आज की डेट है 21/7/2021, ये आप लोगों को लाजमी
करने हैं और अपने पास नोट डाउन करना है। जिनके पास बुक्स नहीं है वो बुक्स परचेस कर लीजिए ताकि आप लोगों का काम अप टू डेट रहे। ठीक है, तो ये सारे मौसम हमने देख लिए, करवाने उर्दू का भी काम आप लोगों ने समझ लिया, यकीन आज आप लोग ये सारा काम अच्छे तरीके से कर लेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।